एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ फाइव क्वेश्चंस इन फाइव मिनट्स. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ. स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. इन सभी पार्ट्स में हमें बताना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं. तो रूल नंबर वन, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सिग्निफिकेंट हैं. पंगा आता है जीरो के ऊपर, राइट? तो जीरोस को समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, जिसमें कि एक रूल ये है कि ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल वो सिग्निफिकेंट होते हैं. कैसे समझने की कोशिश करते हैं. 0.007. अब यहाँ पे जो जीरोस आ रहे हैं वो ट्रेलिंग यानी कि एंडिंग जीरोस नहीं है. डेसिमल के बाद तो आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, अगर ये होता 0.0070 तो जो 7 के बाद 0 आ रहा है वो सिग्निफिकेंट होता. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि है 7. पार्ट नंबर बी, 2.64×10^24. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सिग्निफिकेंट है, ये 2.64. ठीक है, सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3. सी को देखिए, 0.2370. मैम 2, 3, और 7 तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी कि वो सिग्निफिकेंट होंगे ही. ये जीरो जो है लास्ट वाला वो ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल के बाद आ रहा है तो यानी कि वो इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. तो यानी कि कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4. नेक्स्ट पार्ट, 6.320. सिमिलरली ट्रेलिंग जीरो है, एंडिंग वाला जीरो है और डेसिमल के बाद आ रहा है तो मतलब सिग्निफिकेंट है. तो यानी कि अगेन इट बिकम्स 4. ओके, ऑल ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट. 6.032. अब देखो, अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फॉर श्योर होता ही है. तो यानी कि यहाँ पे भी ये चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ठीक है, लास्ट पार्ट को देखिए, प्रिटी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे जो ये वाले जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि डेसिमल से पहले वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट वैसे भी नहीं होता और जो डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं. यानी कि जो ये वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट है. अगर कोई 2 के बाद जीरो होता तो वो भी सिग्निफिकेंट होता. तो यानी कि अगेन कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए यहाँ पे, 4, 6, 0, 3, 2. सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1. आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो हमें इसके केमिकल एनालिसिस से पता चला इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है और हमें इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है. ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होती है किसी एलिमेंट के कंपाउंड में. ठीक है, वो बताना है हमें. तो यार इसके लिए अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, ठीक है, तो हम परसेंटेज को सीधा ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर बात की जाए कार्बन के बारे में तो इट कम्स आउट टू बी 38 ओवर, ये तो हो गया इसका ग्राम, हमने इसको मान लिया. गिवन वेट इसका कितना है, 38. अभी बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में. गिवन वेट बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो कार्बन के लिए इट कम्स आउट टू बी 12. हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, 9.67/1. ठीक है, इट वॉज 38.71. ओके, और अगर ऑक्सीजन के बारे में बात की जाए तो टोटल जो परसेंटेज होगी वो 100 होगी. तो ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी, 100 - 38 - 9, अप्रॉक्सीमेटली 51. सो इट विल बी 51/16. सही है, तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन लगानी है. तो देखो इट विल कम आउट टू बी 12 × 3 = 36, सो इट विल बी अराउंड 3, करेक्ट. दिस विल बी अराउंड 9 एंड दिस विल बी 16 × 3 = 48, सो अगेन 393. दैट्स गोइंग टू बी दी अप्रॉक्सीमेट रेशियो. तो अभी आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो. सो 3/3, 9/3, 3/3. सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1, 3, and 1. तो देखो क्या हो गया, CH3O. सिंपल, द एम्पेरिकल फॉर्मूला कम्स आउट टू बी CH3O. चेक करो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ इज द राइट चॉइस. मिल गया हमें हमारा जवाब. आगे बढ़ते हैं,
एम्पेरिकल फॉर्म्यूला गिवन है और मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ठीक है? तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला बताना है, तो सबसे पहले हमें एन फैक्टर की वैल्यू पता होनी बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्म्यूला पता है CH2O, तो हम इसका एम्पेरिकल फॉर्म्यूला मास निकाल सकते हैं। अगर एम्पेरिकल फॉर्म्यूला पता है तो एम्पेरिकल फॉर्म्यूला मास कितना आ जाएगा, 12 + 2 + 16, सही है, विच कम्स आउट टू बी 30। अनदर थिंग दैट वी नो इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें पता है कि अगर हम एम्पेरिकल फॉर्म्यूला मास को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला मास। हमारे पास ये सब कुछ है एन को छोड़ के, तो एन आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला मास, दैट इज 180/30, यानी कि कितना आ गया, 6। ओके, अब अगर हमें ये एम्पेरिकल फॉर्म्यूला पता है और इसको हम एन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला आ जाएगा, विच विल बी हाउ मच, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, C6H12O6। सो दिस इज आर राइट चॉइस, विच इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से देख के बताओ भाई, ऑप्शन नंबर सी, सही है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन, ठीक है, एक एक्स है, कुछ भी उसका एटॉमिक नंबर हो सकता है, बट एटॉमिक मासेस क्या क्या है, 56 जो कि 90% है नेचर में, 57 जो 8% है, 59 वाला जो कि है नेचर में 2%, तो हमें उसका एवरेज एटॉमिक वेट बताना है। कोई कैलकुलेशन की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, जो भी मास वाला एलिमेंट नेचर में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है उसका जो एवरेज निकल के आने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी क्लोजेस्ट टू दिस थिंग, है ना, क्योंकि वो नेचर में 90% एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? तो उसका एटॉमिक वेट 56 के क्लोजेस्ट होगा। चेक करो 56 से क्लोजेस्ट कौन सी वैल्यू है, 56.14 या 56.8? बेटा 56.8 ज़्यादा क्लोज है 57 के, है ना, तो यानी कि हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर 1। बाकी आप चाहें तो बिल्कुल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर ही सकते हैं, पर उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।